अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं KFC चिकन। आप बाहर से तो खाते ही हैं, तो मेरा सोचो क्यों ना ये घर में ट्राई की जाए और अपने व्यूवर्स को इस रेसिपी के बारे में बताया जाए। तो बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाएगी और क्रिस्पी और टेस्टी भी बहुत होगी। तो चले आए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी मेथड की तरफ, जिसमें सबसे पहले मैंने जो है वो मैदा लिया है, वाइट फ्लावर जो कि 2 कप्स के बराबर है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 4 वाइट पेपर। में डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर जो कि है 1 टेबल स्पून। सॉल्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 2.5 टेबल स्पून। 1/2 4 इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितने भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसको अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर लेना है। हमने 2 एग्स ले लेने हैं और उनको अच्छे से बीट कर लेना है। अब इसका जो नेक्स्ट मेथड है वो हमने क्या करना है कि हमने बटर मिल्क ले लेना है 2 कप। अब हम इसमें ऐड करेंगे हॉट सॉस 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे जो कि है 2.5 टीस्पून। अब हम इसको अच्छे से बीटर से बीट कर लेंगे। हमने स्ट्रिप को इस तरह से काट लिया था, ऐसे ही लंबे लंबे स्ट्रिप हमने इसके काट लिए हैं। और अब हम इसको जो हमने मिल्क का बैटर बनाया है हम इसमें उसको डिप करके 1 आवर के लिए रख देंगे। अब इसका जो मेथड है वो है मैरिनेशन का, जिसको हम मैरिनेशन करेंगे चिकन को जो हमने पहले से 1 आवर के लिए रख दी थी। फर्स्ट हमने चिकन स्ट्रिप ले लेना है, उसको हमने मैदे में करना है जो हमने स्पाइस का बनाया हुआ था। ठीक है, उसको अच्छे से हमने इसके ऊपर कवर अप करना है, अच्छे से इसको जो है वो उसकी कवर में कि जो मसाला है मैं फ्लावर के अंदर भी वो भी इसको लग जाए। अब देखिए ये मैदे की कोटिंग हो गई है इसमें, जो वाइट फ्लावर के मिक्सचर और हमने स्पाइसेस मिक्स किए थे। अब हम इसमें एग के अंदर इसकी कोटिंग करेंगे अगेन। अच्छे से कोटिंग होनी चाहिए, देन इसको दोबारा से हम जो है वो जो फ्लावर है उसी में हमने दोबारा से इसको कोटिंग करने के लिए रखना है इस तरीके से। इसी तरह से हम सारी जो स्ट्रिप्स हैं चिकन की वो हम मैरिनेट करके एक प्लेटर में रख लेंगे। इसी तरह हमने जो है वो सारे स्टेप को कंप्लीट कर लेना है। जितनी भी स्ट्रिप हैं उसको सबसे पहले हमने मैदे में फोल्ड करना है, उसके बाद में एग के मिक्सचर में हमने उसको डिप करना है, उसके बाद अगेन हम जो मैदे का हमारे पास मिक्सचर है जो हमने स्पाइसेस से बनाया हुआ है उसी के अंदर दोबारा से हम इसको डालेंगे और अपने प्लेटर में रेडी करके रख लेंगे। हमने इस तरह से इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख देना है। हमने ऑयल देके हॉट है इसमें हमने उसको डाल देना है। अभी हम इसमें स्पून नहीं चलाएंगे, यही हमने एहतियात करनी है, वरना तो कोटिंग जो है वो अलग अलग हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा टाइम देना है, फिर हम इसको टर्न ऑफ करेंगे। जो जो मैं देख रही हूँ कि हल्की सी ब्राउन हो गई है, मैंने उसको जो है वो टर्न कर दिया है। मैंने सारी चिकन को जो है वो टर्न कर दिया है, ये ब्राउन कलर आना शुरू हो गया। अभी हमने इसको और ब्राउन कलर देना है थोड़ा सा, फिर हम इसको निकालेंगे। अब देख सकते हैं कि ब्राउन कलर आ चुका है, तो मैं इसको एक एक करके जो है वो निकाल लूँगी। अब देख सकते हैं कि चिकन KFC स्टाइल जो मैंने बोनलेस में बनाया है वो रेडी है। मैं आपको शो भी कर देती हूँ किस तरह है, बहुत सॉफ्ट और बहुत यमी बना है। ये देखिए, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, और मुझे लाइक करना,
शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।